जाए थे नीर वाटर फॉल की तरफ, तो रास्ते में हमको देखी एक वशिष्ठ गुफा करके जगह कोई, सॉरी गुहा, तो वो उसका गेट है, तो वहाँ से हम नीचे उतरे हैं, देखते हैं जाके कैसी है। फोटोज में तो अच्छी लग रही थी, तो बस हम ऐसे ही उतर गए नीचे को। ये साफ पानी आ रहा है, ऐसे ट्रैक है छोटा सा, नीचे जाना है हमने किनारे पे, देखते हैं जाके कैसी है गुफा। मस्त है यार। तो ये है वशिष्ठ मंदिर गोर, सामने है गुफा वशिष्ठ की, इसका इतिहास नहीं पता मेरे को, अच्छा लगा तो हम आ गए बस देखने। तो गाइस ये वशिष्ठ जी की गुफा, तो यहाँ पर वशिष्ठ जी ने, वशिष्ठ महाराज हुए थे, उन्होंने तपस्या की थी कई साल, ऐसा यहाँ के पंडित जी ने बताया हमें। और ये पहले गुफा बहुत बड़ी हुआ करती थी, 2013 में जब बाढ़ आई थी देन ये गुफा अपने आप बंद होगी, थोड़ी ही रहेगी बस। ये है गुफा वशिष्ठ जी की, और दूसरी गुफा है वशिष्ठ जी की धर्म पत्नी के नाम पे, वो है यहाँ से नीचे जाके हमको राइट लेना है। सो ये टेंपल है, उधर गुफा है जहाँ उन्होंने पूजा करी थी, अब जाके देखते हैं आगे दूसरी। ऐसे आओगे तो आपको ये पत्थर दिखेगा, तो कुकियो गुफा का रास्ता दूसरी का इधर से है। सो यहाँ से जाना है हमने राइट, गुफा का रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है, आपको ऐसे पत्थरों से होके आना पड़ेगा इस तरफ को जाने के लिए। और गुफा का है ऊपर रास्ता, हम भी ऐसे ही आगे घूमते हुए। ये है दूसरी गुफा, देखते हैं कैसी है जाके। ये छोटी है पहले वाली से। अरुंधति गुफा, तो कहते हैं वशिष्ठ जी की धर्म पत्नी वो यहाँ पर तपस्या करते थे, वो वशिष्ठ जी उधर, तो अरुंधति गुफा। इस टेम्पल के किनारे हैं मस्त, बीच एक छोटा सा ऐसा, उधर वाइट सैंड है, इधर पत्थर है, मस्त माहौल बना हुआ है। और गंगा नदी फुल उफान पे चल रही है, इस टाइम पे राफ्टिंग बंद है यहाँ पर, तो हमारा मन था राफ्टिंग करने का, बट सिचुएशन नहीं है राफ्टिंग की, बिकॉज ऊपर से ज़्यादा पानी आ रहा है, बहाव तेज है, सो राफ्ट यहाँ पर इस टाइम मुश्किल है करनी नहाने की। तो कपड़े खोल के हम उतर चुके हैं गंगा नदी में नहाने के लिए, मस्त यहाँ नहा रहे हैं किनारे पे, वहाँ नहीं जाना, वहाँ जाएंगे तो बह जाएंगे। ये रहा हमारा गिन्नी, पर आके ना पत्थर इकट्ठे करके ऐसे बना सकते हैं। अच्छे लगते हैं दिखने में, तो बैठा गिन्नी, इसकी खींचेंगे फोटो अब हम। ये था पीछे वशिष्ठ बीच, हमें पीछे कर रहा है गिन्नी, कपड़े डाल रहा है नहा के। यह वशिष्ठ टेम्पल, अब हम जाएंगे यहाँ से, देखते हैं अगली जगह कौन सी पड़ेगी नियर बाय, वहाँ जाएंगे देन दिखाएंगे आपको। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ, वशिष्ठ देख लिया था हमने, आप भी देख चुके हो, बट यहाँ पर हो रखी है कलोल, ट्रैफिक ही बहुत है, तो हमको अंदर से डाइवर्ट कर दिया है। देखते हैं कितने लाख साल बाद पहुंचेंगे हम ऋषिकेश, ऊपर से भूख लग रही है, बज रहे हैं 12, ना ब्रेकफास्ट किया है ना लंच किया हमने, बस सबसे पहले जाके बस पार्किंग मिल जाए, गाड़ी खड़ी करेंगे देन
खाएंगे फिर घूमेंगे कैफेज वगैरह ऋषिकेश के। पिछली बार नहीं गए थे, इस बार जाएंगे। पर गाइस बहुत मजा आ रहा है, ऋषिकेश घूम रहे हैं हम पार्किंग में ना, पार्किंग ढूंढते हुए ट्रैफिक ट्रैफिक है, 1.5 घंटे से बैठे थे ट्रैफिक में जाम बहुत है, सड़कें लाल हो रखी है, 1 किलोमीटर कह रहे हैं 1.5 घंटे में पहुंचोगे आप सड़कें नहीं कुछ और भी लाल हो सबसे पास वाली पार्किंग 1 किलोमीटर दूर है बस पता नहीं कितने सालों में पहुंचेंगे। 200 साल बाद हमें मिल गई पार्किंग और ट्रैफिक हो गए फ्री, हमने करी गाड़ी यहाँ खड़ी और करे थोड़े कपड़े चेंज, अब हम जा रहे हैं लोकल एक्सप्लोर करने। बारिश हो रही है, मस्त मौसम है, हमें भीगने से डर नहीं लगता। और ये गिन्नी जी ने भी अपना अवतार चेंज कर लिया है, गोवा वाले कपड़ों में आ गए हैं। अब हम कुछ खाएंगे दें जाएंगे बीटल्स आश्रम। गाइस मेरा मोटा मोटा सजेशन ये है, गाड़ी लगाओ पार्किंग में जहाँ को जगह मिल जाए और पैदल एक्सप्लोर करो, वरना आप नहीं घूम पाओगे कहीं पर भी, ट्रैफिक इतना है ना, तंग हो जाओगे तंग। हमें 2 घंटे लग गए 5 किलोमीटर के लिए, तो ऐसे गोल घुमा के आए हैं सिर्फ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के 2 घंटे। तो जहाँ जगह मिले वहीं खड़ी करो और पैदल घूमो ऐसे हमारी तरह। अभी हम पहुँच चुके हैं द फेमस चोटी वाला, वो सामने, वहाँ जाएंगे कुछ खाएंगे, देन फिर वहाँ से हम घाट से होते होते जाएंगे बीटल्स आश्रम, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। अभी जाते हैं चोटी वाले पे कुछ खाते हैं, बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। और ये है राम झूला के बगल में, तो जब भी आना है पहले राम झूला की पार्किंग पता कर लो, ये है राम झूला की पार्किंग, इसके बगल में ही है चोटी वाला और सामने। पता चली है गिन्नी जी ने बताई है हमको कि चोटी वाले यहाँ थोड़ा फेमस है, तो यहाँ पे लाइन लगती है, तो लाइन पे खड़ो, आपकी बारी आएगी देन आप बैठोगे देन आप खाओगे, थोड़ा तकलीफ सहनी पड़ेगी पर देखते हैं वर्थ है कि नहीं है, खाना टेस्ट किया कि नहीं इनका। सो ये है चोटी वाला, अब जाएंगे और खाएंगे। तो गाइस बारिश हो गई है बहुत तेज़ और लक्ष्मण जी तो गायब हो गया ऑलमोस्ट, हर एक ने खाना खा के उधर ही जाना, उसके सामने कुछ नहीं दिख रहा है, देखते हैं क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बताइए, तैर के जाएंगे और क्या करेंगे 10 साल बाद मिल गई है हमको एंट्री चोटी वाला में, कोलंबिया इंडिया ने बाहर खड़ा के रखा, अभी हम करेंगे ऑर्डर। और बाहर हो रही है मस्त बारिश, उल्टे अवतार से बारिश हो रही है, राम झूला लक्ष्मण तो गायब ही हो गए हैं, खाना खाएंगे फिर देखते हैं क्या करना है। फेमस थाली चोटी वाले की, थाली खाएंगे और बताएंगे कैसा टेस्ट करती है खाना। सो ठीक था भाई, इतना कुछ पास भी नहीं आ सकते, जैसा मोहम्मद खान होता है वैसे था, घर का जैसे घर का फील आता खाने का वैसा ही फील था, तो आप ट्राई कर सकते हैं, सही थी। तो हमने खाई थी थाली, थाली का प्राइस ऑलमोस्ट वो है 400 रुपये, सही थी थाली, एक थाली में 2 बंदे आराम से खा सकते हैं। चोटी वाले पे हम जा रहे हैं बीटल्स आश्रम की तरफ, तो यहाँ से अप्रॉक्स 1.4 किलोमीटर दूर है, तो पैदल ही जा रहे हैं। और एक गेम है कि वो 4 बजे बंद हो जाता है, तो 4 बजे से पहले पहले हमको वहाँ पहुँचना है, देन देखते हैं, तो फटाफट जा रहे हैं। बाकी चेक करो भाई भीड़ पूरी है, जानकी सेतु ब्रिज से हो गए, यह जानकी सेतु ब्रिज, उधर लक्ष्मण में झूला, उसके आराम चल रहा है, चलते हैं फटाफट, जल्दी थोड़ा भाग भाग के जा रहे हैं क्योंकि बंद ना हो जाए बीटल आश्रम। मुझे समझ नहीं आता बीटल्स है या बीटलेस है, कैसे प्रोनाउंस करना है, सो मैं बीटल्स ही कह रहा हूँ अभी। बाकी बारिश हो गई, अभी ख़तरनाक मौसम था, मस्त मूसलाधार बारिश हुई है, अभी भी काले बादल आसमान में छाए हैं और हम जा रहे हैं। सो ड्यू टू हैवी रेनफॉल ऊपर से पानी ही पानी आ रहा है और ये सीधा गंगा नदी में समा रहा है, और हमने डाली हैं चप्पलें, ये भी बहुत अच्छा डिसीजन लिया हमने, क्योंकि एक तो बारिश ऊपर से पानी के किनारे जूते पान डालने कोई मतलब नहीं बनता। सो हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट बीटल कैफे के पास आश्रम के पास, और ये जो है बीटल्स आश्रम
ये मेन जानकी सेतु पुल से अप्रॉक्स 600 मीटर की दूरी पर, और एक ज़रूरी सूचना, ये जो ये आश्रम है बेसिकली ये शाम को 4 बजे तक बंद हो जाता है, तो कोशिश करना है कि 4 बजे से पहले पहले आप विजिट करें। तो ऐसी से कुछ एंट्री गेट, यहाँ पे टिकट है 150 रुपया की, और बाकी टिकट चार्ज दे सकते हैं। अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं, दिखाते हैं आपको।